तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में छात्र हित के मुद्दों को लेकर एनएसयूआई ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के सरकारी आवास ओक ओवर का घेराव किया। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने सरकार से कोरोना संकट काल के दौरान छात्रों को प्रमोट करने की मांग की और साथ ही हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की तरफ से प्रवेश परीक्षाएं ना कराए जाने के फैसले के खिलाफ विरोध दर्ज किया है। छात्र संगठन समय समय पर सरकार को आए दिन घेरते चले जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज एक बार फिर एनएसयूआई जो है मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने यहां पर पहुंची है। आप सीधा तस्वीरें देखेंगे मेरे पीछे से, ये सीधा जो है ओक ओवर है जो कि मुख्यमंत्री का सरकारी आवास है और एनएसयूआई के जो यहां पर छात्र है वो यहां पर घेरने के लिए इन्हें पहुंचे हैं। और आप देखेंगे कि एक भारी भीड़ के साथ यहां पर कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे हुए हैं। पुलिस बल जो है वो भारी तैनात यहां पर किया गया है ताकि किसी भी तरीके से बैरिकेडिंग यहां पर ना तोड़ी जा सके और हल्का पुलिस बल ने जो है वो प्रयोग भी किया है हल्के बल का ताकि मुख्यमंत्री आवास की ओर जो कार्यकर्ता है ये कुछ ना कर पाए। तमाम मांगों को लेकर यहाँ पर ये कार्यकर्ता पहुंचे हैं। छात्र हित के मुद्दों को लेकर बात यहाँ पर की जा रही है कि छात्र हित की बात सरकार करे, इन तमाम बातों को लेकर यहाँ पर ये लोग उतरे हैं। आप देखेंगे कि जोरदार नारेबाजी मुख्यमंत्री आवास के बाहर की जा रही है, हालांकि खुद मुख्यमंत्री इस समय होम आइसोलेशन में है। कुछ नेता जो है हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे साथ विनू मेहता है, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के इकाई अध्यक्ष एनएसयूआई के। सबसे पहले आप बताएं कि आप एनएसयूआई की ओर से आज घेराव करने यहाँ पर मुख्यमंत्री का कार्यालय के लिए पहुंचे हैं, आवास का कार्यालय का घेराव कर रहे हैं, क्या मांगे हैं, क्यों घेराव किया जा रहा है? पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एनएसयूआई एक शांतिप्रिय छात्र संगठन है। पिछले कोविड के दौर से एनएसयूआई ने तमाम छात्र समुदाय के जो समस्याएं उन समस्याओं को इस गूंगी बहरी सरकार तक पहुंचाने का पूरा कार्य किया। सरकार की दमनकारी नीतियां, छात्र विरोधी नीतियां, जब एनएसयूआई ने बार बार मांग रखी कि मास प्रमोशन दिया जाए छात्रों को, सरकार ने परीक्षाएं कराई, काफी सारे छात्र पॉजिटिव पाए गए। आज प्रदेश विश्वविद्यालय में एंट्रांस परीक्षाएं होनी थी लेकिन सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन ये हवाला देता है कि कोरोना का कहर है। क्या प्रवेश परीक्षाएं नहीं होनी चाहिए? क्या तमाम छात्र साथियों को विश्वविद्यालय में पढ़ने का मौका नहीं दिया जाना चाहिए? एनएसयूआई ने मांग रखी थी कि 6 महीने की फीस माफी की जाए। एक तरफ से सरकार ने कोविड के दौर में 20% फीस वृद्धि कर दी और एनएसयूआई मांग कर रही है 6 महीने की फीस को माफ कर दिया जाना चाहिए, लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार, ये क्वारंटाइन सरकार छात्र विरोधी निर्णय दिन प्रतिदिन ले रही है। आज आप देख सकते हैं जब एनएसयूआई ने अपनी डिमांड रखने के लिए ये वॉक ओवर का घेराव करा, मुख्यमंत्री आवास का घेराव करा, तो इन्होंने हमारे छात्रों की आवाज को दबाने के लिए हमें लाठियां बजाई। ये देखिए छात्रों का खून बहाया जा रहा है सरकार द्वारा। क्या छात्रों का खून बहाना इस सरकार का नियम बन चुका है? छात्रों की आवाज को इस तरह दबाना, एनएसयूआई की तरफ से कहना चाहता हूँ कि तमाम छात्र समुदाय की आवाज को बुलंद करने के लिए एनएसयूआई अपनी जान भी दे देगी लेकिन एनएसयूआई तमाम छात्रों के अधिकारों को मरने नहीं देगी। और साथ ही मैं बता देना चाहता हूं आपको, जिस तरह से आज हिमाचल बेरोजगारी में 3rd नंबर पे आ गया है, कॉलेज कैडर नहीं निकल रहा है, कोई भी जॉब्स नहीं निकल रही है, तो एनएसयूआई बता देना चाहती है कि आप बाहरी राज्य के लोगों को नौकरी देना बंद करें और हिमाचल प्रदेश के छात्रों को रोजगार दें। छात्रों की मांगों को लेकर आप बात कर रहे हैं लेकिन क्या लगता है मुख्यमंत्री खुद इस समय होम आइसोलेशन में है, कोरोना संकट काल चल रहा है, क्या लगता है क्या सही समय था घेराव करने का? छात्र समस्याओं को, छात्र हितों को उठाने के लिए एनएसयूआई हर एक समय तैयार रहेगी। आज बहुत थोड़े समय में एनएसयूआई ने कोविड को देखते हुए 500-600 छात्रों को इकट्ठा करके घेराव करा है। ये आइसोलेटेड मुख्यमंत्री को बता देना चाहते हैं, आप छात्र विरोधी जितने निर्णय उनको वापस ले, आप 6 महीने की फीस को माफ करिए, मास प्रमोशन दीजिए, बाहरी राज्य के लोगों को नौकरियां देना बंद कीजिए। और साथ ही साथ एनएसयूआई मांग करती है कि तमाम कॉलेज कैडर और हर तरह की नौकरी को बहाल किया जाए। धन्यवाद। तो ये थे छात्र नेता विनू मेहता। आपने देखा कि हल्का पुलिस बल का जो प्रयोग है वो यहाँ पर किया गया है और भारी तादाद में जो एनएसयूआई के कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और मांग सीधा सीधा यही की जा रही है कि परीक्षा जो है वो करवाई जाए। कोरोना संकट काल के बीच में जो प्रवेश परीक्षा है ना कराने का फैसला लिया गया है और साथ ही साथ जो फीस बढ़ोतरी की गई है उस फैसले को भी सरकार वापस ले, अन्यथा आने वाले समय में एनएसयूआई और उग्र आंदोलन करेगी। अंकुश डोभाल, जनता टीवी, शिमला।